हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आयस। दोस्तों डेली पीआईबी डिस्कशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 11 जुलाई और मैं प्रसन्ना वर्मा आपके सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ कि क्या है आज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के पिटारे से। दोस्तों यहाँ पे हम हर एक मिनिस्ट्रीज के अंदर जो इम्पोर्टेंट सूचनाएँ होती हैं वो डिस्कस करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो आप देख सकते हैं पीएमओ से लेकर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस डिफेंस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले आपके एक फ़ायदे की बात करना बहुत ज़रूरी। दोस्तों कॉम्बो फेस्टिवल चल रहा है यूपीएससी सीएससी के लिए अनअकैडमी पे, मतलब ज़्यादा चीज़ें पाइए पैसा कम दीजिए, 15% तक आपको कॉम्बो पे ऑफ मिल रहा है। जैसे आप देख सकते हो कि 12 महीनों का प्लस कॉम्बो लेने पे आपको 10,000 बचेगा, लेकिन आइकॉनिक जिसमें और सारी फैसिलिटीज मिलती हैं इसमें 36 महीनों का लेने पे आपको 19,000 रुपये तक बचेगा टोटल सेविंग जो है। सिंपली आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाना है और मेरा कोड यूज़ करना है सिर्फ आईएस टू गेट दी एक्स्ट्रा दिस परसेंटेज ऑफ ऑफ। इसके अलावा सीएससी अश्योर एंड अकेडमी चला रहा है, लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है। इसमें यह है कि अगर आप अपने यूपीएससी के रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हैं तो अगला अटैम्प्ट यूपीएससी का आपका पूरी जिम्मेदारी अन अकेडमी लेता है, जिसमें आपको 2 साल या उसके ऊपर के सब्सक्रिप्शन पे 1 साल या उसके ऊपर का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जा रहा है। इसके साथ 14 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, और इसमें आप ईएमआई पे भी इन चीजों को अवेल कर सकते हो भी 0%। मैं यहाँ पे क्लास लेती हूँ 10 से 11 बजे आज क्लास है, तो इन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक चीज जो आपको करनी है वो याद रखना है मेरा कोड सिर्फ आईएस जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो टू गेट दी ऑफ। आइए वापस से आते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ जो है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के बारे में। ये पीएमओ की तरफ से खबर क्या निकल के आ रही है वो आपको बताती हूँ। दोस्तों पीएम अनवील्स नेशनल एल्बम कास्ट ऑन द रूफ ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। क्या है, आइए ले चलें आपको हम पीआईबी में और आइए ले चलें उसकी साइट पे। देखिए इसी हिसाब लिखा है, प्रधानमंत्री ने यहाँ पे अनवील करी नेशनल एम्बलम को जो रूफ पे कास्ट थी एक नई बिल्डिंग जो पार्लियामेंट की बनी उसके ऊपर। ये देख सकते हैं आप वीडियो और इंटरेक्ट विद दी श्रमजीवी इज इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ पार्लियामेंट, उनसे भी इंटरेक्ट हुए। आप ये प्रॉपर देख सकते हो, इस तरह से आपको एक वीडियो भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी इस तरह से। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैंने आपको यहाँ पे ये भी दिखा दिया है। ओहो क्या बात है, बहुत ही अच्छा, ठीक है। तो ये यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, साथ में यहाँ पे जो भी श्रमजीवी इन्वॉल्व थे उन सब से भी प्रॉपर तरीके से पार्लियामेंट में इन्होंने बना रहे हैं, तो ये सब जो है इनसे भी काफ़ी ये इन्वॉल्व हुए हैं, अच्छे से इंटरेक्ट किया है इन्होंने, ठीक है। ये सब पूरा प्रॉपर देख सकते हैं आप एल्बम वगैरह को। आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक है दोस्तों अराउंड 60 डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की तरफ से टॉपिक है। तो टॉपिक क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। करीब यहाँ पे 60 जो स्टार्टअप्स हैं वो रजिस्टर्ड करे गए हैं विद इसरो सिंस अनब्लॉकिंग ऑफ इंडियन स्पेस सेक्टर रिसेंटली बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम आर डीलिंग विद द प्रोजेक्ट्स जो कि स्पेस डेब्रिस मैनेजमेंट से रिलेटेड है, और बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऐसा यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह सीधी का कहना है। देखिए यहाँ पे बात यह है मेन कि 60 स्टार्टअप्स को जो है रजिस्टर्ड जो है इसरो के अंदर सिंस अनलॉकिंग ऑफ इंडियन स्पेस सेक्टर, ये रिसेंटली ये जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा रजिस्टर करवाए गए हैं, और इनमें से जो कुछ हैं वो ऐसे प्रोजेक्ट्स के साथ हैं जो जो स्पेस में आप जानते हो आजकल स्पेस डेब्रिस मैनेजमेंट बहुत चल रहा है। इतनी सारी कंट्रीज जो ऐसा कुछ अपने अपने सैटेलाइट्स वगैरह को भेजती हैं, चीज़ों को भेजती हैं, उससे स्पेस में बहुत ज़्यादा कूड़ा फैल रखा है, और इसको अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो इससे प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि इससे जो नए सैटेलाइट्स हैं कुछ भी हैं लड़के गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकती है दिक्कत। देखिए यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का कहना है कि स्पेस के स्टार्टअप जो है उनका रोल और अच्छा होगा, स्पेस डिपार्टमेंट रोल ऑफ स्पेस डिपार्टमेंट जो है वो और मजबूत होगा, इसमें इमर्जेंट टेक्नोलॉजी को लेके इसको और मजबूत करेगा, इसमें स्पेस डेब्रिस मैनेजमेंट भी आता है। इसी के चलते इन्होंने इनॉग्रेट करा इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन को एट इसरो कंट्रोल सेंटर बेंगलुरु के अंदर।
ये जो है आपका इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन दैट इज IS फॉर OM, ये इसलिए है कि हम इंडियन स्पेस असेट को और सेफ गार्ड करें कोलिजन थ्रेट जो है कि भले लड़ के फूट सकता है कुछ चीज़ है ना स्पेस के ऑब्जेक्ट से, उसे हम हटाएं, रिस्क कम करें और इंफॉर्मेशन दें फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पसेस और रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए स्पेस के डेब्रिस और स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस को लेकर। ये है पूरी खबर। आते हैं नेक्स्ट अपनी मिनिस्ट्री की तरफ। मिनिस्ट्री है कंसल्टेशन ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन डिजिटल एग्रीकल्चर को लेके। आइए जानते हैं क्या खबर है। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एसोसिएशन किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ में और इंडिया ने ऑर्गेनाइज करा है एक वन डे स्टेक होल्डर कंसल्टेशन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लेके इन डिजिटल एग्रीकल्चर के अंदर आज की डेट में। आज ही की बिल्कुल तरोताज़ा खबरें हैं, सब याद रखिएगा, बिल्कुल तरोताज़ा आज की खबरें आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर वगैरह वीडियोस को करते ज़रूर रहिएगा। बात आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, हमारी नेक्स्ट खबर निकल के आ रही है। तो खबर ये है कि भाई हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं दैट इज़ रक्षा मंत्री जो हैं, उन्होंने लॉन्च करा 75 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट्स या टेक्नोलॉजीज को अपने फर्स्ट एवर AI इन डिफेंस सिंपोजियम एंड एग्जीबिशन में न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, टर्म्स AI एज रिवोल्यूशनरी स्टेप बताया जा रहा है ह्यूमैनिटी के डेवलपमेंट में, टाइमली इन्फ्यूजन इन सारी टेक्नोलॉजी का, जैसे AI का, बिग डेटा नीड का, ऑफ द ऑनर टू स्टे लेवल विद टेक्नोलॉजी कर्व, ऐसा RM का कहना है। और इंडिया जो है वो ऐसा डोमिनेट नहीं करना चाहता किसी को, है ना, ये चाहता है कि भाई इंडिया डज नॉट डिजायर डोमिनेशन, डेवलपिंग AI कैपेसिटी सिर्फ इसलिए है ताकि नेशन को प्रोटेक्ट करा जा सके आगे फ्यूचर के सारे खतरों से। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम कहते हैं कि हम यूज़ करेंगे डेवलपमेंट के लिए, शांति के लिए, पीस के लिए, ह्यूमैनिटी की, ऐसा हमारे राजनाथ सिंह जी का कहना है। हमारा देश कितना प्यारा और शांत है ना, कभी कभी हम ये सोचते हैं भाई। आइए नेक्स्ट मिनिस्ट्री, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है। वहाँ से ये खबर निकल के आ रही है कि भाई नितिन गडकरी साहब का कहना है कि द्वारिका एक्सप्रेसवे को डेवलप करा जा रहा है एज द फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे इंडिया के अंदर, ये ऑपरेशनल हो जाएगा सन 2023 में। आप यहाँ देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे श्री नितिन गडकरी ने कहा कि द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसे नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड भी कहते हैं हरियाणा पोर्शन के अंदर, ये डेवलप करी जा रही है फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के तौर पे इंडिया के अंदर। काफ़ी डिटेल वीडियो में बनाऊंगी लेकिन वो ENA में आपको पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट बात आती है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पिटारे से, जो कहता है कनेक्टिंग द डॉट्स बिटवीन वायरस इन्फेक्शन एंड प्रोग्रेस ऑफ ब्रेन कैंसर। तो हुआ क्या है कि साइंटिस्ट ने यहाँ पे कैंसर कॉजिंग वायरस एप्स्टीन बार वायरस का पता लगाया है जो इन्फेक्ट करता है न्यूरो नल सेल्स को और अलग अलग तरह के चेंजेस लेकर आता है बायो मॉलिक्यूल्स में, जैसे कि फैटी एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन कंपोनेंट्स, जिसकी वजह से क्या होता है डिजीज हो जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एज वेल एज ब्रेन कैंसर हो जाता है। तो वो आजकल कैंसर को लेकर बहुत उपलब्धियाँ चल रही हैं, भगवान सब कुछ ठीक करे, अच्छा करे देश के अंदर, ताकि इन सब बीमारियों से लाइलाज बीमारी के इलाज निकल आए। आइए नेक्स्ट आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ। तो न्यूज़ ये है कि सामाजिक अधिकृता शिविर, ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एड्स और असिस्टिव डिवाइसेस के लिए दिव्यांगन को और सीनियर सिटीजन को, ये कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के अंदर उत्तर प्रदेश की लगाया गया है। और आखिरी है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से खबर कि NCW जो है लॉन्च करी है इन्होंने सीरीज ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स को ऑन NRI मैरिजेस इन पंजाब। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रॉपर डेडिकेटेड आपको चीज़ें मिल जाएंगी। प्रोग्राम का एम है कि इन्फॉर्मेशन को फैलाना कि आखिरकार देखिए भाई कितने सारे रिस्क होते हैं NRI मैरिजेस में, अवेयरनेस करना कि भाई प्रिवेंटिव मेजर रखिए, लीगल रेमेडीज अवेलेबल है फॉर द विक्टम्स। ठीक है, NCW का फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन होता है, याद रखिएगा अच्छे से। तो अवेयरनेस जो है ये प्रोग्राम वगैरह होगा अच्छे से, कोलैबोरेशन है इसमें डिपार्टमेंट ऑफ लॉ का पंजाब यूनिवर्सिटी की इन एसोसिएशन विद द SGPG और वगैरह वगैरह।
आप देख सकते हो सारा कुछ, पंजाब वगैरह, पंजाब स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, पंचायत से, एनजीओ है और लोकल पुलिस है। दोस्तों यहाँ तक हम करते हैं अपनी पीआईबी आज यहीं पे समाप्त। कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब। आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको रेगुलर अपडेट्स और क्वेश्चंस वगैरह मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।